एम्पायर इस हॉल में खिलाड़ी तो खेल के बाहर आ गया तो बस एम्पायर वहीं रहे। इतनी गर्मी में उन्होंने 12-12 घंटे प्रबोध कुमार चीफ रेफरी। अब आगे वरुण चौहान अफरीदी अफरीदी यस श्रीमान यस अफरीदी भाई ये वरुण चौहान थैंक यू अफरीदी भाई श्रीमान यस भैया यस धीरज यस भैया ये टर्न कर लो थोड़ा कौन धीरज निपुण भाई धीरज भाई धीरज यस यस भैया सोहेल खान सोहेल यस भैया प्रियांशु यस भैया यस अंकित अर्षित अर्षित यस सर यस यस लुक एट कैन द फेस ओके यस भैया यस सर गिरीश चौहान यस भैया यस सर यस भैया आकांक्षा यादव यस ओके बेस्ट प्रमोशन के लिए तीन ट्रॉफी है एक डीपीएस प्रजाति है एक नेहरू स्टेडियम प्रजाति है महामाया स्टेडियम को बस एक नंबर डीपीओ संजय यस दूसरा यस नंबर दो महामाया स्टेडियम महामाया और नंबर तीन यस भैया यस मैम और तीसरा नेहरू स्टेडियम राहुल मोहित प्रकोप बहुत बहुत यस सर ओके आ रहे हैं डबल 8 0 यस सर यस सतीश शर्मा जी प्रेसिडेंट हमारे बोर्ड प्रिंसिपल सतीश शर्मा जी
गुड मॉर्निंग भावरी जी. यस सर. यस लुक एट ओके साथ में जरूर. यस कोलम बिस्कोई जी देखिए बहुत समय से बोल रहा हूं बहुत देखते थे बोल रहा हूं. यस सर. यस सर. थैंक यू. यस मैम. अपनी नॉमिनी ओके क्या बोलोगे सर. अभी ओके और अध्यक्ष ही रह गए हैं. उन्होंने सब अध्यक्ष ही रह गए. मग्रांशु भाई अध्यक्ष की बात ही अध्यक्ष की Yes, sir. हो गया बाइक से कॉल. एक नरेंद्र शर्मा जी तो रह गए हैं. वो हर बार पीछे रह जाते हैं. तड़ से अनुरोध है कि उनका उनको भी सम्मानित करें. यस सर. यस लुक एट कैमरा फेस. यस आज के केंद्र बिंदु आइए संतोष यादव जी हमारे बीच में उपस्थित बैडमिंटन के विश्व पितामह और हमारे सभी खिलाड़ियों के गार्जियन नरेंद्र शर्मा जी हमारे संरक्षक ललित जयसवाल साहब भामरी जी अरविंद जी और महामाया स्टेडियम व डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली मैडम पूनम बिश्नोई जी सभी खिलाड़ी और उनके पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. अभी प्रक्रिया थोड़ी सी और बाकी है तो मुझे कहा गया धन्यवाद करने के लिए. यहां अमित भाई भी मुस्कुरा रहे हैं तो मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा और अरविंद जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने इसका समय दिया और लगातार 8 दिन 12-12 घंटे 14-14 घंटे इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया. आप सबको मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं. उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष इसी जो हर्ष और उल्लास के साथ हम इस चैंपियनशिप को प्रारंभ करेंगे और अभी आने वाले समय में अक्टूबर में फिर दोबारा एक चैंपियनशिप की घोषणा नरेंद्र शर्मा जी द्वारा की जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई खिलाड़ी अगर पहले या दूसरे स्थान पर आ गया अगर संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए ऐसे कई मौके आएंगे और पेरेंट्स को खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को जो है वो बढ़ावा देते रहिए और इसी तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा करते रहिए. सभी ग्रैंड पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अपने जितने भी घर में जो वातावरण जो माहौल जो क्रिएट किया है स्पोर्ट्स का खासतौर पर जो बच्ची जो थी कीरत वो 8 दिन के टूर्नामेंट में पर डे एक का टारगेट लेके गई. मैं उस बच्ची के लिए पहले तो तालियां बजवाना चाहता हूं कि ऐसे खिलाड़ी जो है वो देश का नाम रोशन करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और आप सबको उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे आप. और अंत में नरेंद्र शर्मा जी का मैं फिर दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूं. जयपाल साहब का जिन्होंने इंटर स्कूल टूर्नामेंट शुरू करा के एक नया टूर्नामेंट जो है वो शहर के अंदर जो है वो कराने की खानी और सफलतापूर्वक हमने उस टूर्नामेंट को कराया और इस 8वें डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में अंत में मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं. जय हिंद जय भारत. सर नमस्कार.
सर मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं पूरा रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। थैंक यू सर। Thank you.